आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक वेजिटेरियन यानी कि सब्जी की रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पर इसका नाम है मसाला भिंडी। ये बहुत ही चटपटी बनती है। इसके लिए जो आपको चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी है, यानी कि इसे ओकरा भी कहते हैं, लेडी फिंगर्स भी कहा जाता है। आपने जो है इसको अच्छी तरह वॉश कर कपड़े से अच्छी तरह ड्राई कर लेना है ताकि इस पर कोई पानी ना हो। उसके बाद आपने इसको काफ़ी छोटे पीसेज आप देख रहे हैं, इस तरह आपने इसको काट लेना है। अनियंस आपको चाहिए यानी कि प्याज, इसे भी आपने इस तरीके से स्लाइस कर लेना है। टमाटोज यानी कि टमाटर बीच में जाएंगे, इसी तरह स्लाइस होंगे। प्याज दोबारा आपको इस बीच में चाहिए होगा, इससे हम इसका मसाला बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोर की जो आपको चिकन की क्यूब्स मिलती हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। हल्दी दस टर्मरिक कलौंजी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जिसे नाइजेला सीड्स कहा जाता है। क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च दस क्रश्ड रेड चिली, पिसी हुई लाल मिर्च दस रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, और बटन रेड चिली जो होती हैं ड्राई वाली होती हैं जो गोल होती हैं उसको आपने सिर्फ दो हिस्सों में कर लेना है। बुलेट ग्रीन चिलीज जाएंगी, जायका ज़्यादा, तीखापन कम होता है। लहसुन सिर्फ इसमें गार्लिक का इस्तेमाल है और आपने इसको बारीक जूलियन काट लेना है। तेल में बनाएं, घी में आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको। तेल हो चुका है गरम। सबसे पहला काम जो है यहाँ पर हम डालेंगे जो कि भिंडी, और आपने इनको फ्राई कर लेना है जब तक कि बिल्कुल गोल्डन सी हो जाएंगी, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो इससे पहले फ्राई कर लें, इतना आपने इसको फ्राई करना है कि इसमें कोई मॉइस्चर नहीं रह जाना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्पी होगी हुई है। एक छानना ले लीजिएगा और उसमें आप इसको डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा जितना भी इसमें ऑयल होगा वो तमाम रिमूव हो जाएगा। इसको फ्राई करने के बाद एक साइड पर रख दिया। अब आप इसमें डालेंगे जो कि प्याज है, और आपने इसे भी जो है फ्राई कर लेना है। और इसी तरीके से फ्राई हो जाने पर आप इसे निकालेंगे और एक छानने में रख लेंगे ताकि जो है एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। अनियंस भी आपने हाई फ्लेम पर ही फ्राई करने, और उस पर हल्का सा कलर आ चुका हुआ, जितना भी बीच में प्याज का मॉइस्चर था वो भी ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं कोई सिजलिंग नहीं है, इससे पता चलता है कि प्याज का भी जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। इसी तरह आप एक छानना लेंगे और तमाम प्याज को इसमें से रिमूव करेंगे और तमाम एक्स्ट्रा ऑयल को ड्रेन हो जाने दें। ये भी फ्राई करके साइड पर रखती हैं और प्याज भी। अब इसका जो है मसाला हम वो तैयार करने लगे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं तेल जो है हो चुका है गरम। इसमें अब आप डालेंगे जो कि आपके अनियंस आपको दिखाए थे अलहदा, और आपने इसको फ्लेम हाई पर रखेंगे और इसको आपने जो है हल्का सा सुनहरा रंग। प्याज जो है फ्राई हो चुके हैं, इसमें अब डालेंगे जो कि हैं आपके टमाटोज, कलौंजी, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, और एक जो आपको क्यूब दिखा था नोर का वो डालेंगे, और रेड होल जो बटन चिली होती है। फ्लेम को हाई पर रखें और सबसे पहले यहाँ पे जो है थोड़ा सा टमाटर को पानी छोड़ने दें। तो ये देख लें टमाटर जो है यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो जितने भी बीच में कच्चे मसाले हैं वो पक जाने चाहिए। फ्लेम फिलहाल हाई पे रखेंगे और जैसे इसमें जोश आएगा आप कवर करेंगे, लो टू मीडियम पे रखकर इतना कुक करेंगे कि दोबारा तेल सरफेस पर आ जाए और टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने। देख लें परफेक्टली मसाला तैयार हो चुका है। देख लें टमाटर भी गल गया और तेल दोबारा सरफेस पर आ गया हुआ है। यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि फ्रेश लहसुन था। फ्लेम को आप फिलहाल मीडियम पर रखेंगे और आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए चमचा हिलाते रहें और लहसुन को ज़रा जो है बीच में फ्राई अप हो गया, लहसुन भी हो गया बीच में। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि हमने अनियंस फ्राई किए थे, ये चले गए बीच में। साथ ही बीच में अब आप ऐड करेंगे जो कि फ्राइड भिंडिये हैं, और इसको पहले अच्छे से मिक्स करें। अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिया। बीच में जाएंगी हरी मिर्चें, गरम मसाला डालेंगे आप, और साथ में डालेंगे हरा धनिया। अच्छे से इसको मिक्स करें दोबारा, और इसको आपने कवर कर दम पर रख देना है बिल्कुल सिमर लो पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद। आप इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करेंगे, सलाद के साथ। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।